कश्मीर सीबीआई जांच कराई थी ना, बिना मांग के करा दी थी। अब तो पूरा राजस्थान सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, आप जो देख रहे हैं। और सीबीआई जांच को मांग के बिना आरबीपी अब पीछे हटने वाले, मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। सेकंड ग्रेड से अन्य जो गलतियां हुई है उनकी सीबीआई जांच की डिमांड हम जारी रखेंगे। सचिन पायलट ने भी कहा है कि इसमें सरगनाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो तो उनको तो नाम बताने चाहिए उनको। मैं तो कहता हूँ पायलट साहब सब लोगों को नागौर में शक्ति प्रदर्शन क्या गठबंधन जाता है? देखिए शक्ति प्रदर्शन तो राजस्थान में आरएलपी पार्टी वो तो 5-5 लाख के प्रदर्शनों में शुरुआत मेरे गढ़ में कोई संघ नहीं लगा था, कोई सा भी साहब हो। नागौर में तो कांग्रेस की एक सीट आई, उन्हें भारतीय जनता पार्टी। और अब राजस्थान के नौजवान सड़क पे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में बड़ा भरोसा राजस्थान के नौजवानों का, किसानों का। हर मुद्दा राजस्थान का देश के लोकसभा केंद्र में उठा रहे, चाहे अग्निपथ हो, सेना को ठेके पर देते, आरएलपी बोले किसान के लिए आरएलपी, या जब अपराध कोई हो गेंगवार की करता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती, महेश जोशी का मामला हो, चाहे नामा का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे परिवहन घोटाला हो प्रताप सिंह का, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जगह बोलती है बीजेपी जहाँ हाथ मिला लेती कांग्रेस से, वहाँ भी आरएलपी आम आवाम की राजस्थान की आवाज़ को हमेशा विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करते, आगे भी आरएलपी पार्टी।